हमारे माशरे में नौजवान शादीशुदा जोड़ों में तलाक की शरह बढ़ गई है। जहां इसके और कई असबाब हैं, वहीं इसका एक सबसे बड़ा सबब इस बात को न जानना है कि मियां बीवी का ताल्लुक दोस्ती और बराबरी का नहीं बल्कि मोहब्बत और मवाफ़क़त का ताल्लुक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शकीलुर रहमान और आप देख रहे हैं ज़ैनी टीवी। मियां बीवी के ताल्लुक और दोस्ती के ताल्लुक में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि इंसान अपने दोस्त अपने ज़ौक के मुताबिक बनाता है। किसी भी दो अफराद का ज़ौक 100% एक सा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में यह हकीकत इसलिए कोई मसला पैदा नहीं करती कि इंसान अपने दोस्तों के साथ अपनी मर्जी और अपने मूड के मुताबिक वक्त गुजारता है और जब दिल चाहे अपने घर की राह ले सकता है। जबकि मियां बीवी एक ही घर में हमा वक्त साथ रहते हैं, नतीजे के तौर पर उनके ज़ौक, आदात, रवैये और सोच के तमाम फ़र्क खुलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे में निभाने की एक ही शक्ल मुमकिन है कि दोनों फरीक कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करें। यह एडजस्टमेंट ऐन अदलो इंसाफ की बिना पर 50-50 के तनासुब पर हो सकती है। हकीकत पसंद लोग ये बात जानते हैं कि ज़्यादातर हालात में शादी के इब्तदाई 5-7 बरसों में कम या ज़्यादा बीवी एडजस्ट करती है, जबकि बाकी सारी ज़िंदगी कम या ज़्यादा मर्द एडजस्टमेंट करता रहता है। यह एडजस्टमेंट या मवाफ़क़त बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत की वजह से की जाती है, जबकि दोस्ती हर हाल में बराबरी का तकाजा करती है। ये बराबरी अगर मुमकिन नहीं तो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मगर दोस्ती ख़त्म होने से ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि इंसान को और दोस्त मिल जाते हैं, जबकि मियाँ बीवी की अलहदगी एक घर के टूटने और बच्चों के बर्बाद हो जाने का नाम है। इसीलिए मियाँ बीवी को बराबरी और दोस्ती के बजाय मोहब्बत और मवाफ़क़त के असूलों पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।